अमूमन हम कभी कभी देखते हैं जब मेले समाप्त हो जाते हैं तो मंदिरों के आसपास बहुत सारी गंदगी मिलती है, और आज हम मुक्तिधाम मुकाम मेला आसोज मेला समाप्ति के बाद यहाँ पर लोग सभी चले गए हैं, और आज देख लो 29 यानी 29 सितंबर 27-28 को भरपूर मेला था। मेला तकरीबन लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन ये धीरे धीरे कंट्रोल होता है इस पॉलीथीन और इन गंदगी वाली चीज़ों पे। पहले हम आते थे तो यहाँ पे पॉलीथीन वगैरह मेले के आसपास जब मेला समाप्ति होती थी तो उसके बाद बहुत बिखरे हुए मिलते थे, लेकिन आज के दिन ये समाज के लोगों के द्वारा जो जागरूकता उत्पन्न हुई है तो उन्होंने पॉली बैग वगैरह नहीं फेंके। ये मेले के मंदिर प्रांगण के चारों तरफ का दृश्य है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर छोटे मोटे कचरे को छोड़कर पॉलीथीन वगैरह इस प्रकार का कोई भी कचरा नहीं है। हम आपको चारों तरफ का दृश्य धीरे धीरे दिखाएंगे। तो बहुत ही अच्छा है कि समाज के लोगों के अंदर बहुत अच्छी जागरूकता आई है और उन्होंने किसी प्रकार की गंदगी मेला प्रांगण के आसपास नहीं फैलाई। समाप्ति के बाद ये इन लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है, और ये जैसे ही मेला समाप्त होता है तो लोगों का इधर उधर आना जाना शुरू हो जाता है और लोग अपना सामान क्लोज करने में लगे रहते हैं, तो ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं, इन लोगों ने काफ़ी सारी चोरियाँ की यहाँ पे, तो आप लोग जो दरियादिली दिखाते हैं इनके ऊपर वो हमारे लिए घातक है। ये जिन लोगों का दरियादिली करते हैं इन्होंने ये इतने लोटे चुराए हैं यहाँ मंदिर प्रांगण से, जो समाज के आपके दान से जो यहाँ पर आपकी व्यवस्थाओं के लिए सामान खरीदा जाता है, ये वो लोग हैं जिनको हम दया समझ के इनको 2 रुपये इनको दे देते हैं और इनको मुंह लगाते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे जो मेला प्रांगण से बहुत सारा सामान चोरी किया है, और अभी इनको यहाँ पे जब पकड़ा है तो यहाँ पे ये रो रहे हैं। और भी सामान होगा इनके पास, बहुत सारे तादाद में ये लोग आते हैं। जो आप इनको गरीब समझ के और दया करते हैं उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जब इनको भी पकड़ा है पुलिस ने, और इनके पास से अभी मैंने जो आपको दिखाया था भारी तादाद में बर्तन चोरी किए इन्होंने, जो आपकी गाड़ी कमाई का दान से जो यहाँ पे आपकी सेवा के लिए खरीदे गए आइटम थे वो मुक्तिधाम मुकाम में इन लोगों द्वारा चोरी किए गए और ये पकड़े गए हैं।